फिरोजाबाद में ईंटों से लदे ट्रैक्टर ने 55 वर्षीय मजदूर को कुचला। मजदूर की मौके पर मौत, चालक मौके से फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला फिरोजाबाद के थाना पचोकरा के ग्राम नगला पुन्नू निवासी 55 वर्षीय राजवीर सिंह टूनला में प्रधान से मिलकर अपने साइकिल से अपने घर जा रहा था। उसी दौरान पीछे से आ रहे ईंटों से लदे ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर परिजन और ग्रामीणों ने पहुंचकर रोड जाम कर मुआवजे की मांग करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस व नायब तहसीलदार ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और किसान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि को जल्द से जल्द दिलाने का आश्वासन दिलाया। तब जाकर ग्रामीणों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने दिया। वही पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई शुरू कर दी है। टूनला से ब्यूरो रिपोर्ट। एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ पूरी जानकारी बताओ। मेरे दादाजी आ रहे थे टूनला से, प्रधान जी से मिलने गए थे, वहाँ से आ रहे थे वापस, तो उधर से ट्रैक्टर आ रहा था। ट्रैक्टर वाले ने पहले ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, गाड़ी चढ़ने के बाद उसने देखा कि ऊपर चढ़ गई, फिर उसने बैक किया गाड़ी को। जब उन्होंने पता चला कि यहाँ पे मर गए तो मौके से फरार हो गया वो। यहाँ से यहाँ पे पुलिस प्रशासन आया है, बस खूब काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे पुलिस प्रशासन। जब तक यहाँ SDM साहब नहीं आएंगे हम बॉडी नहीं उठने देंगे यहाँ से। अगर SDM साहब यहाँ नहीं आए तो हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, हड़ताल पे भी बैठेंगे। इनका नाम वीरपाल सिंह उर्फ राजवीर सिंह है, नगला पुन्नू के रहने वाले हैं और इनकी मृत्यु मौके पर ही हो गई है एक्सीडेंट से, इसी ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर का नंबर UP83S3860 है, ठीक है। तो इसमें मैंने इनका सारा डिटेल नोट कर लिया है और ये डॉक्यूमेंट दे करके और सारा जो कृषक दुर्घटना बीमा है और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत और जितनी भी योजनाएं आएंगी उसके अंतर्गत इनको जो भी मदद है वो पूरी एकदम मेरी तरफ से हो जाएगी, हमारे तहसील प्रशासन की तरफ से। इनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है और एक बहुत दुखद घटना है ये, बहुत बुरा ही एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे ऐसे रोडों पर,